at speed to the city streets. We began to feel the fire. Chaku, तो स्पेशल ये है कि आज गार्गी का बर्थडे है और गार्गी 2 साल की हो गई है। सही बता रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी 2 साल की हो गई है। तो मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं सोच रही थी गार्गी का बर्थडे आए और अच्छा ब्लॉग मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत ब्लॉग हो जाते हैं ना नेगेटिव ऑफिस में, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह, तो माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो मुझे जो है अब मुझे काम मेरे बंद है दोनों, तो इसलिए मुझे अपनी लाइफ का शेयर करना है हर चीज़। उसके लिए ब्लेसिंग दो, और सबसे पहले मेरी बेटी के लिए ब्लेसिंग दो, ताकि वो जैसे बड़ी हो रही है ना, एक्टिव हो रही है और जॉयफुल अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। और हम चाहते हैं कि दोनों, हम माँ बाप चाहते हैं कि वो खूब खुश रहे, एंजॉय करे। और पता है रात में हम लोगों ने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखो। रात में जब हम लोग केक लेकर आए और उसको सरप्राइज़ दिया, उसे पता ही नहीं था, मतलब हमें भी नहीं पता था कि हम ऐसा करेंगे। मार्केट गए थे और वहाँ से केक लेकर आए और उसके साथ एंजॉय किया, बच्चों के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। तो ये एक बहुत अच्छी स्पेशल मेमोरी मेरी बन गई है। 2 साल की मेरी गार्गी हो गई है और यार क्या बताऊँ मैं, क्या बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या बोल रही हूँ, कहाँ से क्या कुछ बोल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि मैं आज बहुत खुश हूँ और हैप्पी नवरात्रि। आप नवरात्रि चल रही है, मैंने मंदिर भी बैठाया घर पे, तो शराब चल रहे थे उसके बाद मंदिर बैठाया, तो उसका भी एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो भी देख लेना। वीडियो व्लॉग तो मैंने प्रॉपर पूरे बनाए लेकिन शेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा गार्गी की बर्थडे के दिन से शुरुआत करूँगी वीडियो शेयर करने की। ये है हमारी छोटी सी मैया हमारे घर में, और फिलहाल जो है अभी कल शाम चिरागी हुई थी, अभी फिर चिरागी करूँगी, नहा धोऊँगी तब जाके। तो अभी 9:30 हो रहा है, 10 मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, और मैं जल्दी से 11 बजे तक सारा काम फ्री करके चिरागी कर लूँगी। फास्ट मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि सिंधु ब्रेस्ट फिड करती है, तो इस वजह से फास्ट नहीं रखे। बाकी नवमी के दिन प्रसाद करना, भोग बनाना करना, ये सब चीज़ करूँगी मैं। तो कितनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे काम है, डेकोरेशन करना है, वो सब चीज़ें आपको इस व्लॉग में दिखेंगी। पूरा व्लॉग देखना और बहुत अच्छी वाइब आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। और यही दिन का मैं वेट कर रही थी व्लॉग शेयर करने का, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ प्यार देना इस व्लॉग को और खूब सारी ब्लेसिंग शेयर कर दो मेरी बेटी के लिए। 2 साल की हो गई है मेरी बेटी, इससे ज़्यादा और क्या खुशी है मेरे लिए कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं जल्दी। यहाँ पे मैंने रात के डिनर की तैयारी खुद करी क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और बाहर से मंगवा नहीं सकते थे, और चिकन वगैरह कुछ ये सब चीज़ें नॉनवेज नहीं खा सकते थे ना, तो इस वजह से। और ये देखो फाइनल डेकोरेशन कुछ इस तरीके का हुआ है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक मेरे हस्बैंड ने ये सारा डेकोरेशन किया,
और मैंने रूम क्लीन प्रॉपर करा अच्छे से, और उसके बाद फिर डेकोरेशन किया, साथ में मैं खाना भी बना रही थी। और यहाँ पे मेरी प्रिंसेस देखो कैसी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है डॉल सी। और फिर शाम के यहाँ पे 7 बजे तक सब लोग आ गए थे, ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मतलब जो आपको इस वीडियो फ्रेम में दिख रहे हैं वही सब लोग थे। तो 7 बजे आ गए थे सब लोग, फिर हमने सोचा कि बड़े भाई साहब का वेट करते हैं, फिर ही केक कट करेंगे। और यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं डांस वगैरह, और मैंने वॉइस जो है कट कर रखी है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का बहुत इश्यू रहता है, और यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगा रही हूँ। बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए तो हम सब लोगों ने साथ में बैठ के खाए। ये शाम का टाइम है 7 बजे का, 7:30 बजे का स्नैक्स वगैरह खाए, और रूम डेकोर फिर से किया साथ में लग के सब ने। और फिर रात के 8 बज गए थे, तो धीरे धीरे सब लोग आने लग गए जो बाकी के बचे हुए लोग थे जो इस वीडियो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं। उसके बाद लेकिन अभी भी भैया नहीं आए थे, तो हम लोग भैया का वेट कर रहे थे। और फिर जहाँ से 8:30 बजा तो आने लग गए, भैया ने बोला थोड़ी देर में हम पहुँच रहे हैं। तो अब आ चुके थे बड़े भाई साहब, यानी कि गार्गी के बड़े पापा। और गार्गी के जैसे ही बड़े पापा आए तो गार्गी बड़े पापा की गोद में चली गई। और यार सच में मेरी प्रिंसेस कितनी क्यूट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना गुगी, और 2 साल की हो गई है यार। OMG इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे सच बता रही, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। कुछ टाइम पास सिंतू भी 3 से 4 महीने बाद सिंतू भी 1 ईयर की कम्प्लीट कर जाएगी, मतलब यार बहुत अच्छा लग रहा था। गुन्नू इतनी खुश थी, उसे पता था कि उसका बर्थडे है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से उसके पापा रोज़ उसे विश करते थे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, सिंतू प्लीज़ वॉइस ओवर करने दो। और तो यहाँ पे मेरी डॉल रेडी हो चुकी थी केक कट करने के लिए, और रात का टाइम भी हो गया था, 9 बज गए थे, तो जितने लोग थे सब आ ही चुके थे। और फिर अब केक कट करने की तैयारी कर रहे थे, और देखो आगे आपको बहुत इंजॉय, और आपको काफ़ी इंजॉय आएगा और अच्छा लगेगा मतलब। तो और कमेंट करना कि कैसा रहा ये व्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को। और बहुत टाइम के व्लॉग रखे हुए थे, अब ये फाइनल व्लॉग है, इसके बाद कोई व्लॉग नहीं है, फिर डेली व्लॉग्स आएंगे। और ये बर्थडे व्लॉग को मुझे एडिट करने में ही 2 दिन लगे। गार्गी ने तो अपनी बर्थडे कैंडल में फूंक मारी नहीं, उसकी बड़ी बहन ने मारी। और यहाँ पे जो है जैसे ही पटाखे फूटने लगे ना, तो गार्गी का रिएक्शन देखना और मेरी छोटी वाली बेटी का रिएक्शन देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ सबसे बोल रही थी प्लीज़ मत करो, बच्चे रो रहे हैं। और मैंने इनसे बोला कि तुम पहले सिंतू के कान बंद कर दो, और इन्होंने सिंतू के कैसे कान बंद करे। तो सिंतू को फिर मैंने गोद में ले लिया, और अब बर्थडे केक को सबको बांटने की तो वो काम जो है बड़ी वाली जेठानी करती, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता, मैं कभी करती नहीं हूँ। और ये इनसे मिले, ये हैं हमारे घर के पड़ोसी, सच बता रही हूँ, इतना क्या ही तारीफ करूं। और इन ये व्लॉग मेरी जेठानी ने शूट किया है कुछ इस तरीके से।
तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितनी भी मस्ती वाली क्लिप्स हैं सब मैंने इस वीडियो में लगा दिए हैं, जितना भी बर्थडे व्लॉग का है सीन, तो आप देखो और इन्जॉय करो, कमेंट करना। अरे यार बच्चे पता है वॉइस ओवर भी नहीं करने देते। तो कुछ इस तरीके का रहा मेरी गार्गी का बर्थडे, और सब ने खूब इंजॉय किया, ज़्यादातर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। गार्गी की सारी सिस्टर्स आई हुई थी तो सब ने बहुत इंजॉय किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी गार्गी इतना खुश हुई अपने बर्थडे के दिन। मुझे बच्चों के लिए ये स्पेशल करना था, मेरी दोनों बेटियाँ खुश हैं, मेरी बच्चे सारे खुश रहे, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा जितना भी हमने अरेंजमेंट किया अपने बच्चों के लिए। और बर्थडे बहुत स्पेशल रहा क्योंकि इतने सारे लोग आए, स्पेशल बनाया मेरी बेटी का बर्थडे। और दो दिन बाद जो है मेरे हस्बैंड का बर्थडे पड़ता है, तो हम लोग चले गए फैमिली फन टुगेदर करने के लिए रेस्टोरेंट, और बड़ी मुश्किल से गए मेरे साथ। और यहाँ पे भी हम बच्चे ही संभाल रहे हैं, एक को इन्होंने संभाला, एक को मैंने टेबल में बैठा रखा है सिंतू को, कुछ इस तरीके से। सो ऐसा ही होता है यार, बच्चे होने के बाद इन्जॉय भी नहीं कर सकते बाहर जाके। जल्दी से हमने निपटाया जो कुछ खाना था, और उसके बाद जो है घर को आने लगे तो रास्ते में फिर से गुनू को एक्टिविटी करनी थी, उसे झूला दिखा तो बोली ये झूले में बैठना है। तो होप आप लोगों को वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा, बर्थडे व्लॉग लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना। और जैसे ही मैं घर आई ना रेस्टोरेंट से, उसके बाद मेरे बच्चों ने कुछ इस तरीके की मेरी हालत की है, जो डेली रूटीन मेरा है। बाय बाय, टेक केयर।